माता पिता भाई बहन को साथ लेके एक फैमिली बनता है। फैमिली के साथ रहने से आपका दुख आधा हो जाता है और सुख दुगना हो जाता है। क्या इंसान, क्या पशु, क्या पक्षी दिन भर की मेहनत कर अपने लिए खाना जुटाने के बाद अंधेरा ढलने से पहले अपने फैमिली के पास चले जाते हैं। क्या होती है फैमिली की अहमियत, मुझसे पूछ के देखो। मैंने अपने ज़िंदगी का एक तिहाई हिस्सा फैमिली से हज़ारों किलोमीटर दूर रह के बिताया है। पुणे की फास्ट फॉरवर्ड भरी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को ढाल तो लिया, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक कमी सी महसूस होती रहती थी, और वो कमी थी मेरी फैमिली की। पर कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में आज मेरी फैमिली उसी रोशनी की तरह वापस आई है। लगभग 9 साल घर से दूर अकेले रहने के बाद अब मुझे मेरे परिवार के साथ रहने का चांस मिला पुणे में। तो मैं रिसेंटली 2 हफ्ते पहले इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, और बाकी बातें करने से पहले एक छोटा सा रूम टूर आपको दिखा देता हूँ। फाइनली मैं उस घर पे आ गया जहाँ पे मैं अपना यूट्यूब का सारा सपना पूरा करूंगा। और ये हमारी बहन, हाय, और ये हमारे छोटे से आशियाना में, ये है बड़ा सा जानवर। ये सोफा है जिसमें मेरा भाई सोता है, फिर भी उसको जो जगह छोटी पड़ जाती है, उसको एक्चुअली बहुत बड़ा सा जगह चाहिए। ये भी उसको बहुत छोटा पड़ता है, बिकॉज आप उसका फिगर देख सकते हो कि वो कितना बड़ा इंसान है। ठीक है, स्टिल देख लो। हाँ, इसको पहले से उठाना पड़ता है, और ऐसे नहीं रखते। टीवी ऑन कर जरा। हम लोग का टीवी ऐसे ऑन होता है, आप देखिए जरा। अलेक्सा, स्विच ऑन द टीवी। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, घर में जो वाईफाई है उसी को यूज करके सारा प्रोग्राम जो मम्मी को देखना है वो इस टीवी के जरिए मम्मी देख सकती है विदाउट एनी डिस्टर्ब और टाटा स्काई कनेक्शन। एक्चुअली इसमें एक फायदा है कि हॉटस्टार, हम लोग एक्चुअली मम्मी मेरी बहुत सारी सीरियल्स देखती है, तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है टिल 8 o'clock इन द नाइट, बट इस टीवी के माध्यम से वो अपने सो सुबह 6 बजे से देख सकते हैं। 6 बजे से नहीं, एक्चुअली वो अपना काम खत्म करने के बाद रिलैक्स होके कभी भी अपना शो देख सकती है बस। करेक्ट। तो बचपन में हमारे साथ क्या होता था, जब कोई 8 बजे या 9 बजे का मम्मी का सीरियल रहता था और उसी टाइम पे हमारा कोई क्रिकेट मैच वगैरह रहता था, तो हम लोग देख नहीं पाते थे, मम्मी देखती थी खुद ही अपना शो। तो अभी क्या हुआ, मम्मी अपने हिसाब से जब भी वो फ्री होती है अपना सीरियल देख सकती है, और वो भी दुनिया के लोगों को अगर रात को 8 बजे देखना होता है तो मम्मी वो सुबह 6 बजे देख लेती है। तो फायदा तो है, वेट करना नहीं पड़ता है, बट इसके लिए आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो कंपलसरी है, सिर्फ 300 रुपए। एक साल के लिए कुछ भी पुराना वाला सीरियल चला, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। मैं आपको वही अभी दिखा रहा था, क्लैरिटी वगैरह जबरदस्त है। मैच स्टिक से, वाओ, चलो देखते हैं। हाँ, आप आराम से आपका शो तो विदाउट एनी इंटरप्शन आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल को भी इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, मुझे बस एक्सेप्ट करना है। ये देखिए, मैं मोबाइल में जो कुछ भी करूंगा वो इस टीवी में डिस्प्ले होगा। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो देखिए टीवी में भी आप वही देख पा रहे हो। तो YouTube में आपको हमारे वाला वीडियो जल्दी दिख जाएगा। एक मिनट, टीवी को ऑफ करने दे। अलेक्सा, स्विच ऑफ द टीवी। अलेक्सा, थैंक यू। अभी भी घर के सारे सामान इधर उधर पड़े हैं, हमें बहुत टाइम लगने वाला है पूरे घर को सेट करने के लिए।
कुछ दिन पहले मैंने अपने लिए एक प्रिंटर लिया, ये वायरलेस कलर प्रिंटर है, यहाँ पे आप कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जिस तरह से ये एक नॉर्मल A4 साइज पेपर में निकला है, आप क्वालिटी देख सकते हो कितना लाजवाब है। किधर जा रही है? मूवी देखने। कौन सी मूवी? छिछोरे। छिछोरी? अबे छिछोरी छिछोरी निकल निकल छिछोरी। जो आपने देखा ये था मेरे छत का नजारा। अब वापस चलते हैं मेरे रूम पे। इस रूम में शिफ्ट करने का एक और भी मकसद था कि मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के लिए और ज़्यादा टाइम देना था, काम करना था, जो कि वो पुराने रूम पे संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के ये बड़ा रूम लिया है, तो कि मुझे टाइम मिले और स्पेस मिले मेरे यूट्यूब के लिए, मुझे काम करने में ईजी हो। क्योंकि आपको अगर भीड़ से अलग दिखना है ना, तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये रूम लिया है, और अब से मैं YouTube में ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँगा। और एक सुकून मांगता है आप जब YouTube में वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो वो सुकून मिलना चाहिए, माइंड फ्रेश रहना चाहिए, जो कि मुझे पुराने रूम में संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं ला पा रहा था। अभी इस रूम में मुझे बहुत कुछ करना है काम आगे जाके, और व्लॉग्स वगैरह भी बनाने हैं, और जिसके लिए मैंने सारे इक्विपमेंट्स खरीदे हुए थे लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं वो यूज़ करूँगा और कंटेंट लाऊँगा। मेन जो कैमरा पार्ट रहता है, जो कि व्लॉग बनाने में आपको मदद करता है, वो मैंने उसके लिए ये कैमरा लिया हुआ है ऑलरेडी। इसका भी ज़्यादा यूज़ हो पाएगा, और हो सके अगर चांस मिला तो मैं ड्रोन का भी यूज़ करूँगा। हालाँकि पुणे की सिटी के अंदर तो हो नहीं पाएगा, अगर कहीं आउटसाइड ऑफ पुणे जा रहा हूँ तो मैं ड्रोन का भी यूज़ करूँगा, और अच्छे व्यूज़ वगैरह कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट कंटेंट के लिए काम स्टार्ट कर दूँगा आपसे मैं। अगले वाले वीडियो से अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं आपको। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर दूँ कि हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आगे सारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। मिलते हैं फिर नए व्लॉग में, तब तक इंतज़ार करिए। पूजा ने कहा एडिटिंग खत्म होने के बाद अगर थक जाते हो, चाबी मिले खटिया के सो जाओ। एलेक्सा स्विच ऑफ द फ्रंट लाइट। ओके। आपको प्रूफ चाहिए क्या? मेरा भाई मोटा है बोल के देखिए उसने कल क्या लाया है पतला होने के लिए। पर लाता मैं हूँ, खाती ये है। ओ, तो प्लीज मैंने अभी तक नहीं खाया है।